नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया है। ये किशोरी दुष्कर्म का शिकार हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। बता दें चले, देहरादून के विकास नगर क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। दुष्कर्म का शिकार बनी 14 वर्षीय नाबालिग ने 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया है। वहीं आगे बढ़ेंगे, अपनी ही बेटी के खून की पिता और चाचा ने सुपारी दी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि को लड़की की हत्या की सुपारी देने वाले दो सगे भाइयों को एसटीएफ क्लेमेंट टाउन पुलिस ने मंगलौर से गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या का सौदा 10 लाख रुपए में तय कर डाला था। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के 5 से 6 विधायक जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। वहीं नैनीताल पुलिस की बात करें तो अब तक की सबसे बड़े स्मैक की बरामदगी पुलिस ने की है। एक युवक से 55 किलो से अधिक स्मैक बरामद की है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। सत्तारगंज में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर कर दिया एक दिवसीय धरना। इसी के साथ घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के निलंबित कुल सचिव संदीप कुमार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। संदीप कुमार पर संस्थान में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।